मैं सुनील कुमार वर्मा, एडिशनल फूड कमिश्नर उत्तर प्रदेश। लॉकडाउन के दौरान विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना महामारी की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, खाद्य एवं रसद विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं ताकि हमारे जनता को नुकसान न हो और हम अपनी कोरोना महामारी से लड़ सकें। तो इसके लिए जो हमारी नॉर्मल वितरण साइकिल होती थी 5 तारीख से, उस वितरण साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब वितरण 1 तारीख से होता है। 1 से 12 के बीच में जो वितरण होता है वह वितरण नॉर्मल वितरण साइकिल का है, जिसमें चावल और गेहूं दोनों दिया जाता है। इस वितरण साइकिल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, हम गरीब और जो दिहाड़ी मजदूर है और अंत्योदय कार्ड होल्डर है, उसको खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया गया है। दूसरी साइकिल जो हमारी चलती है 15 तारीख से, 15 अप्रैल से जो चलाई गई थी, उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उस योजना के तहत 5 किलो चावल जो है वो प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी 2 साइकिल चलती हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में भी करीब 93% वितरण अप्रैल माह में हो चुका है और इसमें एक बिल्कुल ही नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। एक दिन में करीब 72 लाख कार्डों पर वितरण हुआ है 16 अप्रैल को, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है और यूपी का तो अपना रिकॉर्ड है ही, क्योंकि इतना ज़्यादा राशन इतनी मात्रा में कभी भी नहीं उठाया गया था। इसके अलावा जो हमारा वाराणसी संसदीय क्षेत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस क्षेत्र में हमारे करीब 6 लाख के आसपास कार्ड धारक हैं और उन 6 लाख कार्डों पे 92% वितरण जो खाद्यान्न का है इस माह में किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है गरीब कल्याण अन्न योजना, उस योजना के तहत भी यहाँ पे निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया गया है, 92% वितरण हो भी चुका है। संक्रमण रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी दुकानों पर टोकन व्यवस्था हो, टोकन व्यवस्था के तहत ही लोग आएँ और भीड़ ना लगाएँ। और इसके अलावा सोप, सैनिटाइज़र इत्यादि सब रखवाए गए हैं ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए बायोमेट्रिक मशीनों को, ई पास मशीनों को हमारे लाभार्थी और जो सामान्य व्यक्ति हैं वो उसको छुएं। इसके अतिरिक्त करीब 82,000 मास्क जो है IOCL से कोऑर्डिनेशन करके उसके CSR मद से मंगाए गए हैं और उसमें से और 18,000 के आसपास सैनिटाइज़र मंगाए गए हैं। यह सब भी हम वाराणसी में भिजवा रहे हैं। यह मास्क स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं और वाराणसी के सभी कोटेदारों को और हमारे जो ऑफिस का स्टाफ है उसको भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 2 लाख के आसपास हमारे न्यू कार्ड, नए राशन कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं और वो राशन कार्ड, उन राशन कार्डों में से करीब 1400 राशन कार्ड बनारस में भी बनाए गए हैं। ये राशन कार्ड इसलिए बनाए गए हैं कोरोना के दृष्टिगत, ताकि जो हमारा लाभार्थी छूटा हुआ है, जो नहीं कवर हो पाया किसी तरह से NFSA में, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे सकें। इस तरह से जितना कोशिश की जा रही है खाद्य विभाग द्वारा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी किसी को राशन की दिक्कत ना आए, सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।